मैं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंबा में सड़क दुर्घटना रैली ले 10 पर्यटक। विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी विधायक दिलराम ने। पंडोह पुलिस चौकी के लिए उठी वाहन उपलब्ध कराने की मांग। और पंचायत चौकीदारों ने उठाई नियमितकरण की मांग। और अब खबरें विस्तार से। चंबा खजियार मार्ग पर एक पर्यटक बस के गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 12 लोगों में से 10 की मौत हो गई है। गंभीर रूप से 2 घायलों को चंबा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। सोमवार का दिन चंबा की हसीन वादियों में दिल्ली से घूमने आए पर्यटकों के लिए मौत का वार बनकर रह गया। एक मिनी पर्यटक बस नंबर DL4A6374 सोमवार दोपहर खजियार से चंबा की तरफ आ रही थी। चंबा खजियार मार्ग पर पड़ने वाले कोट नामक जगह पर गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में 9 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय अंतिम सांस ली। स्थानीय लोगों को जैसे ही घटना की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत प्रभाव से राहत कार्य को शुरू कर दिया। जिला मुख्यालय पर घटना की खबर मिलते ही ADM और DSP बचाव दल के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दर्दनाक दुर्घटना में 4 बच्चों की मौत भी हुई है। प्रशासन ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है। हादसा किस कारण हुआ, पुलिस ने इस बारे में छानबीन शुरू कर दी है। वहीं हादसे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने शोक व्यक्त किया है। डलहौजी से के चैनल के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। राज्य सरकार 40% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरी का लाभ प्रदान करा रही है और विकलांगों को मिलने वाली पेंशन में भी सरकार ने 130 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। ये बात नाचन विधायक दिलराम ने मंडी में विकलांगों के लिए लगे 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने के उपरांत कही। बीते रोज मंडी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रांगण में स्वयंसेवी संस्था माँ शक्ति स्वयंसेवी संगठन द्वारा आयोजित किए जा रहे 10 दिवसीय विकलांग व्यक्तियों हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं विधायक दिलराम ने किया। अपने संबोधन में विधायक दिलराम ने सरकार द्वारा विकलांगों के हितों में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम दरों पर उदारता से ऋण भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर विकलांगता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 100% अंधा उसको नौकरी पर लगा दिया गया। और इस प्रकार की सहायता सरकार कर रही है, 50% है, 60% है, 40% है। आजकल इंटरव्यू हो रही है और जो कभी किसको सुनाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, ऐसे लोगों के लिए भी बीएड की अभी इंटरव्यू हुई है। बीएड जिन्होंने किया, जिन लड़कियों ने किया, जिन लड़कों ने किया है, वो नौकरी पर लगेंगे। इस मौके पर जिला विकलांग संघ की अध्यक्षा हेमलता पठानिया ने जानकारी दी कि 10 दिवसीय शिविर में विकलांग एवं असहाय महिलाओं को जैकेट, कुल्लू टोपी, बैग, कपड़े धोने का पाउडर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। माँ शक्ति संस्था के निदेशक विजय कुमार ने इस अवसर पर कहा कि संस्था विकलांग, असहाय एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। जैसे कुल्लू मनाली की हम बात करें तो वहाँ पे करोड़ों का बिजनेस सालाना होता है इन चीजों के ऊपर, तो यहाँ इस जगह पे इस उत्पाद की बहुत ज़्यादा खपत है और बनाने वाले कम मात्रा में मिलते हैं। लोग इसीलिए बनाना छोड़ देते हैं कि मार्केट ना होने की वजह से लोग बना नहीं पाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से इन सब कार्यक्रमों को यहाँ चलाएगा। और सेकंड काम जो हमारा है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग अचार मसाले के ऊपर काम करते हैं। इस अवसर पर दिलराम ने महिलाओं से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना तथा दूध गंगा योजना का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह भी किया, ताकि वे इसके माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। उत्तरी भारत में छाई हरित क्रांति और श्वेत क्रांति BBMB की देन है। ये कहना है BBMB के चेयरमैन AB अग्रवाल का। अग्रवाल बीते रोज सुंदरनगर में BBMB के 35वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे।
बीते रोज बीबीएमबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस ऑफिसर क्लब सुंदरनगर में मनाया। इस अवसर पर बीबीएमबी के चेयरमैन एबी अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में एबी अग्रवाल ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां के अधिकतर लोगों का व्यवसाय कृषि ही है। उन्होंने कहा कि उत्तरी भारत के सभी राज्यों में अन्न उत्पादन की रिकॉर्ड उत्पादकता में बीबीएमबी की अहम भूमिका रही है। उत्तरी भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति बीबीएमबी की ही देन है। अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी होने के बावजूद भी हमारे उत्पादन क्षेत्र के जो लोग हैं वो दिन रात अथक परिश्रम करके उसको शीघ्र से शीघ्र दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस समय जब हो जाएगा वो तो हमें कुछ कार्बन क्रेडिट भी मिलेंगे, जिसमें छापर साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय वो डायरेक्टर थे कंसल्टेंसी, उन्होंने बहुत मेहनत की थी उसमें, और जिस समय ये अच्छी हो जाएगा तो हमें करोड़ों में इनकम उसकी भी होगी। अग्रवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से औद्योगिकरण के क्षेत्र में विद्युत की मांग में एकाएक वृद्धि हुई है और बीबीएमबी अपने इस बढ़ते दायित्व को निभाने में काफी हद तक सफल रहा है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष बीबीएमबी ने अपने विद्युत गृहों से कुल 1575.5 बिलियन यूनिट का सर्वोच्च उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है तथा इसके लिए समस्त कर्मचारी व अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष मानव एवं संसाधन में उत्कृष्टता के कारण ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा 2 गोल्ड अवार्ड बीबीएमबी को ही मिले हैं। उन्होंने बीबीएमबी की ओर से प्रेजेंटेशन दिया और उन 103 कंपनियों में कठिन प्रतिस्पर्धा थी, इसके बावजूद भी हमारे लोगों को करीब 11 टोटल अवार्ड होते हैं ग्रीन टेक, उसमें से 2 अवार्डों की प्राप्ति हुई। अग्रवाल ने बताया कि बीबीएमबी को चिरस्थायी ऊर्जा एवं विद्युत के लिए 4 इनर्शिया पुरस्कार 2010 के अंतर्गत विद्युत उत्पादन पुरस्कार जल विद्युत क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस मौके पर बीबीएमबी के तमाम उच्च अधिकारी और अन्य गणमान्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे। सुंदरनगर से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। एक नजर में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लग्जरी गाड़ियों के विश्व विख्यात विक्रेता आए हैं आपके अपने शहर में। वैली होंडा एंड नेम ऑफ एक्सक्लूसिव होंडा डीलरशिप, जहां आपको मिलेगी होंडा गाड़ियों की पूरी रेंज, जैज, सिटी, सिविक, एकॉर्ड एंड CRV। वैली होंडा आपको दे रहे हैं एक स्पेशल ऑफर, खरीदिए जैज और पाइए 35,000 रूपए का कैश डिस्काउंट, फ्री कार इंश्योरेंस और अन्य कॉरपोरेट डिस्काउंट्स। तो फिर हो जाइए तैयार लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए। संपर्क करें वैली होंडा, ऑपोजिट चक्कर मिल्क प्लांट, NH21 चक्कर मंडी, हिमाचल प्रदेश। पंडोह पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाली सभी 11 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने चौकी को एक वाहन मुहैया करवाने की मांग की है। ये मांग प्रतिनिधियों ने बीते रोज स्थानीय पुलिस चौकी कर्मचारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान की। पंचायत प्रतिनिधियों ने इस बारे में एक प्रस्ताव पास करने का निर्णय भी लिया है। बीते रोज पंडोह स्थित पुलिस चौकी के अधीन आने वाले सभी 11 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इलाके में हो रही गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी पंचायतों की क्राइम संबंधी जानकारी चौकी इंचार्ज को दी। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों में इस बात को लेकर रोष देखने को मिला कि दूरदराज के इलाकों में कोई घटना हो जाने पर पुलिस कर्मियों को आने में काफी समय लग जाता है। गौर रहे कि इस समय पंडोह पुलिस चौकी के पास केवल मात्र एक ही मोटरसाइकिल है और यहां के पंचायत प्रतिनिधि चौकी के पास अपना वाहन होने की मांग कर रहे हैं।
सरकार से तथा यहाँ पर हमारे जो एसपी महोदय डीसी महोदय जी से निवेदन रहेगा कि हमारे जो चौकी के लिए मतलब गाड़ी की व्यवस्था होना अति अनिवार्य है, क्योंकि जो समस्या हमें महसूस होती है, जैसे हमने वहां से फोन करना तो जितने में मतलब यहां से पहुंचने में उनको मतलब कोई तो अगर गाड़ी इनके पास होती है तो मतलब गाड़ी के होने के बाद ये मतलब जो भी इनकी मदद लोगों के लिए मिलेगी तो उसमें बहुत मतलब अति आवश्यक मदद मिलेगी। बैठक में इलाके में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी गहन विचार विमर्श किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने पुलिस को अवगत कराया कि सदर थाना और पिंडो चौकी की सीमा पर चोरी की वारदातों में काफी इजाफा हो रहा है, जिस पर पुलिस से शीघ्र कार्यवाही करने की मांग भी की गई। पंचायत प्रतिनिधियों का ये कहना था कि झूली और सौलीखड में कुछ बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, वो कुछ एरिया में जाके कई बार चोरियां कर देते हैं, लेकिन झूली और सौलीखड थाना सदर की ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो उसके लिए मैं एसएचओ साहब से बात करूंगा ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों ने ये कहा है कि पहले की अपेक्षा अब इसमें काफी कमी आई है। पंडो पुलिस चौकी इंचार्ज रामलाल ठाकुर ने उपस्थित सभी पंचायत प्रतिनिधियों से उनके ध्यानार्थ आने वाली किसी भी घटना की तुरंत सूचना पंडो पुलिस को देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही अपराध को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल पंडो। इंटर्न कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया है। इंटर्न कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार मजदूरों को उसका हक दिलाना चाहती तो उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना होती, ना कि उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती। कार्यकर्ताओं ने मंडी में सरकार के खिलाफ एक रोड शो भी किया। मंडी जिला इंटक द्वारा बीते रोज नेहरचौक बाजार में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज तक एक रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मजदूरों ने भाग लिया। इसके बाद इंटक कार्यकर्ताओं ने मंडी शहर में भी एक रोड शो किया और चौहाटा बाजार में एकत्र होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंटक के कानूनी सलाहकार यशपाल धौलटा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, क्योंकि सरकार ने मजदूरों की 8 साल की बकाया राशि के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस सरकार ने वो प्ली ली कि हम लोग, आपने पढ़ा होगा, जागरूक जनता है हिमाचल की, वहां कहा कि हम दिवालिया हो जाएंगे, करोड़ों रुपए हम मजदूरों को नहीं दे सकते। वो केस चल रहा है। हमारा सवाल ये है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस मंच से हम पूछना चाहते हैं सरकार से, ये जो सरकार दावा करती है कि हम कर्मचारियों और मजदूरों के हक में कार्य कर रहे हैं, वो एक झूठा प्रचार है। सरकार को जवाब देना होगा कि इस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई। रैली को संबोधित करते हुए इंटक के जिलाध्यक्ष वाईपी कपूर ने कहा कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और मजदूर कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को शीघ्र अदा करने की मांग भी की। ये फ्री मार्केट में चला जाएगा, उन लोगों के हाथों में चला जाएगा, मार्केट के लोगों के, मजदूर कर्मचारी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी भी समय है। आप हमारी ग्रेच्युटी जो रोकी है, आपने 6 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ग्रेच्युटी है उसके ऊपर 6% ब्याज देना पड़ेगा, उस ब्याज के सहित आप राशि वापस कीजिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में INTUC सरकार का जीना जो है दुर्भर कर देगी। जगह जगह धरने, प्रदर्शन और स्ट्राइकें होगी, इस बात के लिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। इस मौके पर ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई नई नीति बनाने की मांग भी उठी। इसके साथ ही कर्मचारियों और मजदूरों की बकाया राशि को भी एक मुश्त जारी करने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर में फिलहाल फिर अब तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगाट से मिले और बवासीर, खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म।
चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। पंचायत चौकीदारों ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुके चौकीदारों को नियमित करने की मांग की है। ये मांग चौकीदारों ने बीते रोज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक के दौरान दी। बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए खंड स्तर पर कार्यकारिणियों के गठन की योजना भी बनाई गई। बीते रोज मंडी में पंचायत चौकीदार संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रधान कुलदीप चंद गुलेरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पंचायत चौकीदारों में सरकार के प्रति इस बात को लेकर रोष देखने को मिला कि चौकीदारों को और पंचायत सचिवों को वर्ष 1952 में समूचे प्रदेश में एक साथ नियुक्त किया गया था, लेकिन आज पंचायत सचिवों को नियमित कर दिया गया है, जबकि चौकीदारों की सुध लेना सरकार भूल गई है। चौकीदारों को इस समय राज्य सरकार 1,000 रूपए प्रतिमाह मेहनताना अदा कर रही है, जिससे इन्हें इस महंगाई के दौर में अपना और अपने परिवार का निर्वहन करने में मुश्किलें हो रही है। हालांकि इन्हें 8 घंटे की ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, लेकिन आज पंचायत चौकीदार 24 घंटे की ड्यूटी देने को मजबूर हैं। पंचायत के प्रधान को बुलाया जाता है और पंचायत का प्रधान फटाक से जो है वो पंचायत चौकीदार को बुला देता है, और पंचायत चौकीदार जो है वहाँ डेड बॉडी के पास या जहाँ भी वो घटना हुई है वहाँ पर बैठना पड़ता है, और बाकी लोग भी बैठते हैं, लेकिन बाकी लोग बैठे ना बैठे वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन पंचायत चौकीदार जो वो 1,000 रूपए प्रतिमाह ले रहा है गवर्नमेंट से, इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसको वहां पर बैठना पड़ेगा। तो ये 8 घंटे जो हमारे 24 घंटे की ड्यूटी बड़े पहले से लगी हुई है, मुझे तो ये लगता है 1952 से जब से ये पंचायतें गठित हुई थी, पंचायती राज बना था, तब से लेकर के आज दिन तक जो हो रहा है। बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए खंड स्तर पर कार्यकारिणियों को गठित करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही जिला व राज्य स्तर पर सम्मेलनों को आयोजित करने की योजना भी बनाई गई। इन्होंने सरकार से मांग की कि 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदारों को नियमित किया जाना चाहिए, जबकि 8 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुके चौकीदारों को दिहाड़ीदार नियुक्त किया जाना चाहिए। आगे आने वाले समय में सरकार से फिर भी बार बार मांग करते रहेंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अपना संघर्ष क्रमिक भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। जो सरकार का आने वाले समय में जो कार्यकाल होगा तो उसके लिए हम चुनाव दौरान जो सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। हमारी मांगे हैं 10 साल कार्यकाल पूरा कर चुके चौकीदार को नियमित किया जाए, 10 साल से कम कार्यकाल को धैर्यदार बुझा जाए। बैठक में अपने हकों की लड़ाई को लड़ने के लिए आगामी रणनीति भी बनाई गई। इस मौके पर राज्य उप प्रधान जगदीश चंद, सदस्य मुरारीलाल सहित विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फंडों में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से एकत्रित होने वाली धनराशि को गरीब और असहाय लोगों के लिए खर्च किया जाएगा, ये जानकारी आयोजन समिति के प्रेस सचिव गोपाल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि अगली बार टूर्नामेंट में 50,000 के इनाम बांटे जाएंगे। इन दिनों पंडो स्थित 3rd बटालियन के मैदान में विनायक एवं किसान क्रिकेट क्लब के संयुक्त तत्वाधान से एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें आसपास के इलाकों और दूसरे जिलों से आई करीब 45 टीमें भाग ले रही हैं। पहली बार आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता के आयोजकों ने बताया कि इसके माध्यम से एकत्र होने वाले धन को गरीब बच्चों और लोगों के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक समारोह में पधारे मुख्य अतिथियों ने 25,000 रूपए की राशि इस पुनीत कार्य के लिए भेंट भी कर दी है। जैसे कि हमारे जो फर्स्ट दिन जो मुखिया जो चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है जब नेक्स्ट बार आप खेलकूद का आयोजन करेंगे तो हम यहाँ के जो मतलब खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को विजयी टीम के लिए जो है इस 15,000 की राशि को बढ़ाकर हम 50,000 रूपये से भी अधिक नाम की राशि उन खिलाड़ियों को दी जाएगी, ताकि फिर इस राशि के बढ़ाने से ज्यादा टीमें हमारे कार्यक्रम में आएगी। ज्यादा टीमें आने के बाद जो हमारे पास धन आएगा और ज्यादा धन जो है किसी समाज सेवी संस्था को दान कर पाएंगे। यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हमने अपना जो धन यहाँ इकट्ठा करना है और किसी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को या बिल्कुल गरीब छात्र या छात्राओं के लिए खर्च करेंगे। गोपाल ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिला है। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में होनहार खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें जिला या फिर राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी दिया जाएगा। उसके लिए हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट एसोसिएशन का गठन किया हमने, हम पूरी उम्मीद करेंगे इसको अभी तुरंत इसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ये रजिस्ट्रेड होता है तो मुझे तो इतना विश्वास है जो ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को यहाँ अपनी प्रतिभाओं को बिखेरने का मौका मिलता है और मिलेगा, और उसके बाद
सरकार के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे कि जो प्रतिभावान छात्र है जिनका जो अच्छा रिकॉर्ड यहाँ से आएगा, सरकार से मांग रखेंगे कि उन्हें भी हिमाचल के किसी भी कार्यक्रम में उन्हें भाग लेने का मौका दिया जाए। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और खिलाड़ी कड़ी धूप में पूरी तरह से जी जान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल पंडो। एक नजर के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंबा में सड़क दुर्घटना ने ली ले 10 पटक। विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी विधायक दिलराम ने। पंडो पुलिस चौकी के लिए उठी वाहन उपलब्ध कराने की मांग। और पंचायत चौकीदारों ने उठाई नियमितकरण की मांग। एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक जानकारी। प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें देखें अब दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग इन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय, कभी भी, कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा पता है कवि कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी मंडी हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।